For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss a video from Bollywood Spy. Little Lolita Monkey God Uncle यानी कि बजरंगी भाईजान चाइना में रिलीज हुई थी दोस्तों 2 मार्च को, और एक हफ्ते के अंदर अंदर फिल्म ने 117.49 करोड़ का ट्रेमेंडस बिजनेस कर लिया है। मैं हूं राहुल भोज, पता करूंगा मेरी लाइव ऑडियंस से क्या रिएक्शन है, क्या इंटरप्रिटेशन है, क्या एजम्पशन है उनका इस बात को लेकर, और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा एक्सक्लूसिवली ऑन बॉलीवुड स्पाई। बजरंगी भाईजान ने 117.49 करोड़ कमा लिए चाइना में विद इन वन वीक। What is your first reaction towards this news and what you want to say about this thing? I mean, it's pretty strange for me, but then I'm really happy and proud ki people over there are appreciating Hindi movies and the emotional touch to it. So it's really like I'm really glad to have the movie released in China and thank you people for liking it of course. India mein to acha khasa unhone kama liya tha, expectation hai China mein zyada kamaye, aur kaisa hai film jagat hai, koi si picture kab kisko kaisi pasand aa jaye koi bata nahi sakta, isliye best yaar, good, acha lagta hai, acha lag raha hai. Yes, kya kehna hai yaar, matlab बहुत पहले बनी थी बजरंगी भाईजान 2015, हाँ 2015 में बनी थी, और उस वक्त बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ी थी सलमान खान यार, मतलब ऑब्वियसली इज़ द सुपरस्टार ऑफ इंडिया, सो मैं भी फ़ैन हूँ सलमान खान सर का। और उनके बाद आमिर खान सर ने भी दंगल लाई थी, वो भी बहुत बड़ी हिट हुई थी, और जाहिर सी बात ये था चाइना में पहले दंगल बहुत बड़ी हिट हुई थी और बाहुबली से ज़्यादा कमाई की थी। माई रिएक्शन इज लाइक इट्स रियली नाइस दैट द इंडिया इज अर्निंग मनी फ्रॉम सम अदर अदर वे, सो इट्स गुड। मैं ये कहना चाहूँगा कि अक्रॉस द बॉर्डर एक इंडियन फिल्म हिट हो रही है तो ये खुशी की बात ही नहीं है, ये बताती है हमें कि देयर इज यू नो एन ऑडियंस एक्सेप्टेंस फॉर अस अक्रॉस द बॉर्डर, एंड द फैक्ट कि दे ऑल्सो लाइक द कंसेप्ट कि इंडियन सेंट्रिक मूवी है, इंडियन उधर जा रहा है एंड वापस भी आने दे रहे हैं, कि दे आर नॉट हॉस्टाइल टूवर्ड्स अस, काफ़ी फ्रेंडलीनेस है एंड वो भी चाहते हैं कि उनके रिलेशन हमसे इम्प्रूव हो। बहुत अच्छा फील हो रहा है, हमारे देश की फिल्म चाइना जैसे देश में जाके इतना बड़ा बिजनेस कर रही है, हॉलीवुड की फिल्मों से ज़्यादा बिजनेस कर रही है, दो मुल्कों के इंडिया और पाकिस्तान के बीच का मैटर है, ये अच्छा इसमें दिखाया गया है कैसे हमारे देश का हीरो अपनी जान जोखिम में डाल के दूसरे देश की लड़की को वहाँ छोड़ के आता है, और फिल्म पहली बार ऐसे सब्जेक्ट बनाई गई है, और मेरे ख्याल से यही वजह है कि इंडिया में भी चली, पाकिस्तान में भी चली और चाइना में भी रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अक्रॉस द बॉर्डर एक इंडियन फिल्म हिट हो रही है तो ये खुशी की बात ही नहीं है, ये बताती है हमें कि देयर इज यू नो एन ऑडियंस एक्सेप्टेंस फॉर अस अक्रॉस द बॉर्डर, एंड द फैक्ट कि दे ऑल्सो लाइक द कंसेप्ट कि इंडियन सेंट्रिक मूवी है, इंडियन उधर जा रहा है एंड वापस भी आने दे रहे हैं, कि दे आर नॉट हॉस्टाइल टूवर्ड्स अस, काफ़ी फ्रेंडलीनेस है एंड वो भी चाहते हैं कि उनके रिलेशन हमसे इम्प्रूव हो। भाईजान तो सबके दिलों में राज करते हैं और करते रहेंगे, 100 करोड़ नहीं 117 करोड़, और भाई का ये रिकॉर्ड तोड़ रहेगा और हमेशा भाईजान मैं क्या कहूँ सुपर डुपर हिट मूवी देते रहेंगे। जी जी बिल्कुल, बहुत प्राउड फील होता है, और भाई की मूवी है तो बस क्या कहूँ मैं, भाई की मूवी के लिए मजा आ गया। अच्छा लगा मुझे तो कि जब जान करके कि फिल्म बजरंगी भाई इतना बिजनेस कर रही है, क्योंकि हम ही लोग बहुत बोर हो गए चाइनीज पिक्चर दे देख के यूट्यूब एक्शन पर सब जगह पर, मैं चाहता हूँ वो लोग भी हमारी फिल्म देखें, हम कैसी फिल्म आते हैं, हमारी मेकिंग को वो पसंद कर रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस। आपने देखी थी फिल्म, आपको कैसी लगी थी? हाँ इट वॉज ओके, लाइक अच्छी लगी मुझे वो फिल्म बजरंगी भाईजान, क्योंकि जहाँ देश की बात आती है हमारे अंदर यस इंडिया इज वॉन लाइक क्रिकेट पाकिस्तान इंडिया का मैच हो तो हम वैसे खुश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि नहीं इंडिया जीतनी चाहिए, बस वैसा ही था कि बजरंगी भाईजान हमारे यहाँ के थे, इंडिया से लेके गए और लड़की वापस पाकिस्तान छोड़ के आए, मतलब इतनी दुश्मनी के बावजूद वो अच्छा कुछ कर रहे हैं तो हमारे देश का नाम हो रहा है, तो अच्छा ही लगता है। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड दैट एन इंडियन मूवी कुड ब्रेक अ ऑडियंस एज लाइक एज डेंस एज चाइनीज पीपल, लाइक दोज आर नॉट पीपल हु आर वेरी लाइक ओपन अप टू पॉप कल्चर और दे डोंट नो मच अबाउट इट, लाइक बॉलीवुड बींग सक्सेसफुल देयर इज अ प्रिटी गुड थिंग बिकॉज इंडियन मूवीज आर मेड फॉर इंडियंस, बट इफ दे कैन इंस्पायर अदर पीपल इट्स अ प्रिटी गुड थिंग, वी कैन क्लाइम अप टू द लेवल ऑफ हॉलीवुड वन डे। वहाँ पे इतने सारे हॉलीवुड मूवीज भी रिलीज हुए हैं एंड पीपल लाइकिंग इंडियन टच एंड फर्स्ट डेब्यूटेंट ऑफ सलमान इज लाइक सलमान एट द एंड, सो यस आई एम बजरंगी भाईजान के इस ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स से दोस्तों मेरी जनता खुश है, आई एम श्योर आप भी खुश होंगे दोस्तों, क्योंकि इंडियन फिल्म्स को, इंडियन कंटेंट को इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है, वो भी चाइना जैसी जगह पे। आपको क्या कहना है दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखकर आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी क्या राय है, क्या स्पेकुलेशंस हैं, क्या एजम्पशंस हैं, कमेंट सेक्शन आपके हवाले।
एंड क्यों हवाले, क्योंकि चैनल बॉलीवुड स्पाई भी आपका चैनल है। जी हाँ, बॉलीवुड स्पाई यानी कि आपका चैनल, और एक दूसरा चैनल भी है जो कि आपका हो सकता है, जिसका नाम है फिल्मी आरा, FILMY फिल्मी यारा, YAARA। फिल्मी आरा में जाकर भी आप राहुल भोज की और वीडियोस को देखकर एंटरटेनमेंट का और डोज पा सकते हैं। नाम बता दिया राहुल भोज, और मेरे साथ है मेरा नाराज रहने वाला कैमरामैन दीपेश।